नमो तस्से भगवतो सम्मासम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्से। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है सेवितब्बा सेवितब्ब सुत्त। क्या नाम है? सेवितब्बा सेवितब्ब सुत्त। सेवन करना हिंदी है। सेवन करना तथा सेवन करने वाले चीज के बारे में तथा असेवन करने वाले चीजों के बारे में बताया गया सूत्र। भगवान बुद्ध भंते लोगों को ये सूत्र उपदेश दिए थे। उन्होंने कहा, भिक्षु सेवन करने वाले चीजों के बारे में तथा सेवन नहीं करने वाले चीजों के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। भंते लोगों ने बताया जी तथागत, बताया पुण्यान भिक्षु शारीरिक दो प्रकार की शारीरिक आचरण है। दो प्रकार की शारीरिक आचरण से एक प्रकार की शारीरिक आचरण सेवन करना है, दूसरा प्रकार की शारीरिक आचरण को सेवन नहीं करना है। सेवन मतलब इस्तेमाल संगत जैसा। इसके बाद उन्होंने कहा वाणी से भी दो प्रकार होता है। एक वाणी होता है सेवन करना चाहिए, दूसरा वाणी होता है सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मन का भी दो प्रकार की क्रिया होता है। सेवन करने वाले विचार होता है, सेवन नहीं करने वाले विचार है। वो दोनों एक दूसरे का फर्क है, एक दूसरे से अलग है। इसके बाद चित्त उत्पन्न करने का चित्त को उत्पन्न करना भी दो प्रकार का होता है। मन चित्त उत्पन्न करना दो प्रकार की होती है। चित्त उत्पन्न करने वाले दो प्रकार में से एक प्रकार है जो संगत करना चाहिए, एक प्रकार है जो संगत नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा संज्ञा प्रतिलाभ भी दो प्रकार की होती है। एक संज्ञा प्रतिलाभ सेवन करना चाहिए, एक संज्ञा प्रतिलाभ सेवन नहीं करना चाहिए। दृष्टि उत्पन्न होना दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की दृष्टि उत्पन्न होना सेवन करना चाहिए, और एक प्रकार की दृष्टि उत्पन्न होना सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा ये दोनों एक दूसरे से अलग है। इसके बाद उन्होंने कहा आत्म भाव प्रतिलाभ भी दो प्रकार की होता है। आत्म भाव प्रतिलाभ, एक आत्म भाव प्रतिलाभ जो है वो सेवन करना चाहिए, और एक आत्म भाव प्रतिलाभ है वो सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा। तो इसके बाद सारिपुत्र बनते जी भगवान बुद्ध की जो बात है उस पे साथ बोली ना। इसके बाद सारिपुत्र बनते जी ऐसे बताए तथागत भगवान बुद्ध जी आपने
संक्षेप करके, सारांश करके, छोटा करके जो बताया वो हमें विस्तार विभाग से, यानी कि विस्तार से हमें समझ में आ गया। इसी प्रकार मुझे समझ में आता है विस्तार विस्तार से, जैसे आपने कहा शारीरिक आचरण है, शारीरिक क्रिया है दो प्रकार का, एक सेवन करना चाहिए एक सेवन नहीं करना चाहिए, वो कैसा है वो आप किसी लिए कहा। तथागत जो कुछ शारीरिक आचरण है वो सेवन करने से अकुशल बढ़ेगा तो कुशल धर्म घट जाएगा, तो पतन हो जाएगा, तो उसी प्रकार शारीरिक आचरण को सेवन नहीं करना चाहिए। कैसा? जिस शारीरिक आचरण से, शारीरिक क्रिया से कुशल पुण्य घटेगा तो अकुशल यानी कि पाप बढ़ेगा तो वो नहीं करना चाहिए। तथा और एक शारीरिक आचरण है कुशल यानी कि पुण्य बढ़ता है और अकुशल यानी कि पाप घटता है, खत्म होता है, वो सेवन करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध जी किस प्रकार हमें समझ में आ गया, किस प्रकार शारीरिक आचरण को सेवन करने से अकुशल बढ़ता है, पाप बढ़ता है, पुण्य खत्म होता है। तथागत जहाँ कोई लोग हैं वो लोग प्राणियों को हत्या करता है, दुष्ट है, खूनी है, दूसरों को नष्ट करने वाला है, दूसरों के प्रति दया नहीं है, तथा वो लोग हत्या करता है, तथा जो अपने को नहीं दिया वो चीज चोरी करता है, चोरी मन से लेता है, कोई सामान हो गांव में या जंगल में या कहीं भी दूसरों की संपत्ति है तो वो चोरी करेगा तो वो शारीरिक आचरण है जो अकुशल बढ़ता है कुशल घटता है। तथा काम मिथ्या आचरण है, कैसे जो माँ के अंदर में ये लड़की के बारे में कौन सा लड़की के साथ नहीं करना चाहिए, जो माँ के साथ रहती है, पिता की रक्षा में रहती है, माँ पिताजी दोनों की रक्षा में रहता है, भाई की रक्षा में रहती है, बहन की रक्षा में रहती है, कुल वंश के रक्षा में रहती है, अपना गुणधर्म पे रहती है, या तो फिर पति के साथ रहती है, या तो फिर कोई दंड मिलने के कारण उसके अंडर में रहता है जेल में या कहीं, या तो फिर कम से कम एक माला भी अगर पहन के उसी माला से सुरक्षा रह गया तो, यानी कि कम से कम एक माला भी लड़की के नाम से पहन के रह गया तो, वैसा कोई कुल स्त्री है तो वही स्त्री के साथ गलत काम करेगा तो ये तीन चीज शारीरिक आचरण है जो अकुशल बढ़ता है कुशल घटता है, और एक सेवन करना चाहिए वो सेवन करने से कुशल बढ़ता है अकुशल घटता है, वो क्या है, जहाँ कोई प्राणियों को हत्या करना छोड़ देता है, डांटा उजार छोड़ देता है, शर्मिंदा होता है, दया होता है, दयालु होता है, सारे प्राणियों को प्रति हितानुकंपी होके रहता है, तथा दूसरा लोग जो नहीं दिया है वो छोड़ के चोरी करना छोड़ देता है, तथा दूसरों का संपत्ति लोभ नहीं करता है, दूसरों का संपत्ति हो सकता है गांव में या जंगल में कहीं भी वो नहीं लेता है चोरी मन से, तथा
काम मिथ्याचार को छोड़ के मिथ्याचार से बचकर रहता है। जो पहले बताया ना कैसा स्त्री है, वैसा स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करता है। इसी प्रकार शारीरिक आचरण करेंगे तो कुशल बढ़ता है, अकुशल घटता है। इसके बाद आपने कहा दो प्रकार की वाणी का क्रिया है, एक प्रकार की वाणी का क्रिया है संगत करना चाहिए और एक प्रकार की वाणी का क्रिया है संगत नहीं करना चाहिए। क्यों? एक प्रकार की वाणी का क्रिया से अकुशल बढ़ता है, एक प्रकार की संगत वाणी का क्रिया से कुशल बढ़ता है। कौन सी प्रकार की वाणी का आचरण से, वाचसिक आचरण से अकुशल बढ़ता है? जहाँ कोई झूठ बोलता है, कहा सभा के बीच में, सभा मतलब कमिटी, कमिटी कोई ग्रुप के बीच में, कोई कोई मीटिंग में, रिश्तेदारों के पास, सेना के बीच में, राज परिवार या कोई भी, या तो फिर कोई भी इसके बाद कहीं भी उसको बुला के पूछेगा तो ए इधर आओ, तुम ये जानते हो? वो जान के वो बोलता है, जानने पर भी बोलता है नहीं जानते हो, तुम देखे हो? वो देखा है लेकिन बोलता है नहीं देखा है। उसी प्रकार अपना लाभ के लिए, अपना इज्जत को सुरक्षा करने के लिए, या तो फिर अपना फायदा के लिए, या दूसरों का लाभ के लिए भी जान बुझ के झूठ बोलेगा तो उसको कहता है, उसी झूठ से कुशल घटता है, अकुशल बढ़ता है। तथा चुगली करता है, इधर से सुन के दूसरा जगह जाकर के उन लोगों को लड़वाने के लिए बोलता है, उधर से सुन के इधर आके बोलता है लड़वाने के लिए। मिले हुए लोगों को विदा होने के बाद बोलता रहता है, उसको चुगली कहता है ना। कभी कभी ऐसे ऐसे आके बात बोलता है, वो ऐसा है गुरुजी, आपको ऐसा ऐसा बोल दिया, अच्छा नहीं, ऐसा करके फिर गुरुजी उससे नाराज होता है ना। उसी प्रकार मिलाने के लिए कोशिश करता है, जो विदा हो उन लोग को और विदा करवाता है चुगली, सही में अच्छा आदमी नहीं हो, बहुत खराब ऐसे बोल के। एक दूसरे से अलग होके रहना पसंद करता है, दूसरों को अलग करवा के खुशी होता है। अलग विदा होने वाले यानी कि अलग दुश्मन बनाने वाले शब्द बोलते रहता है हमेशा, तथा कठोर शब्द बोलता है, फरुसा वाचा कठोर शब्द बोलता है, बहुत दुष्ट है, बहुत कटुक है, घृणा होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मन का शांति खत्म हो जाता है, दिल दुखता है, वैसा वचन बोलते रहता है तथा फालतू बात बोलते रहता है। समय बर्बाद करने वाले असत्य बातों के साथ, अनर्थ बातों के साथ, धर्म तथा विनय पे जो नहीं है, जो कल्याण नहीं है, वैसा शब्द बोलता है। ये है वाचसिक चर्या जो कुशल घटता है, अकुशल बढ़ता है। तो आपका मन में आना चाहिए ये वाणी का चार प्रकार बताएं, झूठ झूठ क्या है समझ गया, चुगली क्या है वो समझ गया, कठोर शब्द क्या है वो समझ गया, फालतू बात क्या वो भी समझ गया। तो आप ये धर्म ओपन आई कहे ना, अपना में डालना चाहिए तुरंत, अभी तुरंत डालना चाहिए ना, ये तुरंत आपको बदलने के लिए धर्म बताता है, खाल बदलने के लिए अभी, जस्ट आपको, जस्ट आपके पास जो कुछ गलती है उसको मिटाने के लिए अभी तुरंत ज्ञान मिलता है ना। क्यों? भगवान बुद्ध के समय में
मात्र एक गाथा सुनाई देता है। एक गाथा सुनने के बाद इतना विस्तार नहीं, उसी एक गाथा से बहुत लोग पलट जाता है। हम लोग को अंगुलीमाल डाकू को ना बीमार है, हम लोग कोई भी नहीं अंगुलीमाल डाकू के सामने, कितना हत्या किया है, लेकिन एक वाणी से सुधर गया है ना, विश्वास किया, ओपन एक हो गया, अपना जीवन में डाल दिया वो। इसीलिए आप लोग भी डाल के तुरंत हटा दीजिए, चार प्रकार की वाणी आपके पास है तो हटा दीजिए तुरंत। इसके बाद कौन सी प्रकार की चीज सेवन करने से अकुशल पतन हो जाता है, कुशल धर्म बढ़ता है, वो कौन सा वाचसिक क्रिया वचन है? जहां कोई झूठ बोलना छोड़ देता है, झूठ नहीं बोलता है, कोई मीटिंग में या परिवार में या ग्रुप के बीच में, सेना के पास या राज परिवार के पास या कहीं कहीं भी उसको बुला के पूछेगा तो ये तुम जानता है, जानता है तो बता, जानता है, तुम ये देखा है, अगर देख ले तो बता, तो देखे हैं, अगर नहीं देखा तो बोलता है नहीं देखे हैं। अपना लाभ के लिए और दूसरों का लाभ के लिए झूठ नहीं बोलता है। वो झूठ बोलना छोड़ देता है तथा वो चुगली करना छोड़ देता है, उधर से सुनकर इधर आके नहीं बोलता है। अगर विदा लड़ाई होने वाले कुछ शब्द है तो इधर उधर आके नहीं बोलता है। कौन सी सी ना कोई हाँ इसके बाद वो क्या करता है, विदेह हुए लोगों को मिलाता है, हमेशा मिल के रहने वाले, अलग होने की बात नहीं, मिल के रहने वाले बातें बोलते रहता है, दूसरा लोग मिलजुल के रहना देख के खुशी होता है तथा कठोर शब्द फरसा वाचा को छोड़ देता है, कान में बहुत सुनने मधुर लगता है, प्रेम उत्पन्न प्रेमनीय है, हृदयांगम मतलब दिल को टच करता है, दिल को छू देता है, इज्जतदार है, भाषा का इज्जतदार शब्द है ना, वही बहुत सारे लोगों को मन लग जाता है, चित्त उस पे सट जाता है, उसी प्रकार वचन बोलता है तथा फालतू बात बोलना छोड़ देता है, समय को बर्बाद नहीं करने वाले, सत्य अर्थ वाले, धार्मिक तथा सुधरने वाले, बार बार उसको मनन करके लाभ पा सकता है, वैसा शब्द हमेशा बोलते रहता है, वैसा बात बोलते रहता है, सही समय पे अर्थ के साथ, सीमा के साथ, लिमिट बात बोलते रहता है। कुछ भी आप लोग कुछ बात बोलेंगे तो खजानी जैसा रखना चाहिए बहुत समय तक, फिर याद करने पर अच्छा लगेगा। कोई हीरो हीरोइन क्रिकेट ये सब के बारे में कोई टेंशन नहीं ना, फिर याद करेंगे तो। इसके बाद खान पान रहन सहन ऐश मजा, स्कूल का कुछ प्रॉब्लम, रास्ता कुछ प्रॉब्लम, गाड़ी का प्रॉब्लम या दूसरा आदमी का कोई तकलीफ, वो सब प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना, ऐसा सब नहीं है। इसीलिए कहता है ये वाचसिक क्रिया से कुशल
बढ़ता है या फसल पतन होता है। मानसिक आचरण भी दो प्रकार का होता है, एक एक कुशल बढ़ता है, एक ही अकुशल बढ़ता है। क्या सेवन करने से अकुशल बढ़ता है, कुशल पतन होता है, वो कौन सी मानसिक चर्या है? जहाँ जो कोई लोग दूसरों का संपत्ति पे लोभ करता है, वो दूसरों का है, दूसरों का खुशी उत्पन्न करने वाला जो संपत्ति है, दूसरों को मजा के लिए वो संपत्ति देखने के बाद, अरे दूसरों का ये संपत्ति, जितना संपत्ति वो मेरे लिए हो गया था, वो गाड़ी मेरे लिए हो गया था, इतना बड़ा घर मेरे लिए हो गया था, इतना बड़ा जमीन मेरे लिए हो गया था, दूसरों का संपत्ति पे लोभ करता है, तो उससे क्या होता है, मानसिक मानसिक चर्या है जो कुशल पतन होता है, अकुशल बढ़ता है। तथा द्वेषी मन से रहता है, दूषित मानसिक कल्पना है, दुष्ट कल्पना है। कैसे, इसका मतलब कैसे, ये लोग नष्ट हो जाए, इन लोगों को कष्ट मिल जाए, टूट फूट जाए, विनाश हो जाए, सब खत्म हो जाए, इन लोग जल्दी नष्ट हो जाए, ऐसे करके दूसरों के बारे में हमेशा घृणा है। ये दोनों से, ये दोनों है मानसिक चर्या जो अकुशल बढ़ता है, कुशल पतन होता है। और एक मानसिक क्रिया है, कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन होता है। जहाँ जो व्यक्ति है वो दूसरों का जो नहीं दिया हुआ, दूसरों का संपत्ति पे लोभ नहीं करता है, वो दूसरों का है, दूसरों का खुशी उत्पन्न कर देने वाला है वो संपत्ति, वो संपत्ति के बारे में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचता, अरे ये सारे संपत्ति मुझे मिल गया तो जितना इन लोगों के पास है वो हमें मिल गया तो कितना अच्छा है, ऐसा नहीं सोचता है। तथा द्वेष रहित मन से रहता है। कैसे, ये सभी लोग बिना क्रोध के हो, बिना गुस्सा के हो, बिना पीड़ा के हो, सुखी हो, उसी प्रकार पवित्र मन से हमेशा सोच के रहता है। यही है जो क्रिया होता है, सेवन करने से कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन हो जाता है। मन को उत्पादन करना, हिंदी है ना उत्पादन, मन उत्पादन करना भी दो प्रकार का होता है। एक मन के उत्पादन से अकुशल बढ़ता है, कुशल पतन होता है, और एक मन के उत्पादन से कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन होता है। वो क्या, मन के उत्पादन से अकुशल बढ़ता है, कुशल पतन होता है। जहाँ जो व्यक्ति है वो दूसरों का संपत्ति पे लोभ करता है, लोभ करके लोभी मन से रहता है। लोभी मन से रहना मतलब क्या है, मन उत्पन्न हो गया, कौन सा मन, लोभी मन उत्पन्न हो गया है। तथा द्वेष करता है, द्वेषी मन से रहता है, यानी कि क्रोध करके क्रोधी मन से रहता है, क्रोधी मन उत्पन्न होता है। तथा दूसरों को हिंसा पीड़ा कष्ट देने के लिए सोचता है, हमेशा हिंसाकारी मन से रहता है, हिंसक मन से रहता है, कभी ना कभी किसी को परेशान करने सोचते रहता है। ये तीन चीज है ना, लोभी मन से, क्रोधी मन से, हिंसक मन से रहेगा तो अकुशल
बढ़ता है, कुशल धाम पतन होता है। जहाँ और कुछ है उससे कुशल धर्म बढ़ता है, अकुशल धर्म पतन होता है। वो क्या है? दूसरों का संपत्ति पे लोभ नहीं करता है, बिना लोभ करके निर्लोभी मन से रहता है, बिना लोभी मन से रहता है तथा क्रोध नहीं करता है, बिना क्रोधी मैत्री मन से रहता है। इसके बाद दूसरों को हिंसा करने के बारे में, पीड़ा करने के बारे में, तकलीफ कष्ट देने के बारे में नहीं सोचता है, अहिंसक मन से रहता है, अहिंसाकारी मन से रहता है। यही है चित्त उत्पादन। जिस चित्त उत्पादन से कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन होता है। अलोभी चित्त उत्पादन, अक्रोधी चित्त उत्पादन, अहिंसा चित्त उत्पादन। यह संज्ञा प्रतिलाभ भी दो प्रकार के होता है, आपने बताया था तथागत भगवान बुद्ध जी। कौन सी संज्ञा प्रतिलाभ सेवन करना चाहिए, कौन सी संज्ञा प्रतिलाभ सेवन नहीं करना चाहिए? एक संज्ञा प्रतिलाभ है सेवन करने से अकुशल धर्म पाप बढ़ता है, कुशल धर्म पुण्य पतन होता है। वो क्या है? यह जो व्यक्ति संज्ञा प्रतिलाभ, संज्ञा प्रतिलाभ मतलब मन में उत्पन्न होने वाले संज्ञा, वही पोषण करते रहता है ना मन, मन के विचार। यह जो व्यक्ति दूसरों को संपत्ति पे पसंद करता है, लोभी है, दूसरों का संपत्ति पे पसंद करके, दूसरों को संपत्ति पे लोभ करने वाले संज्ञा में रहता है हमेशा, यानी कि लोभी संज्ञा में रहता है। लोभी संज्ञा में रहता है मतलब कभी ना कभी लूटने ठगने के लिए तैयार है, वो लोभी संज्ञा कहता है। तथा क्रोध करके क्रोधी संज्ञा में रहता है, क्रोधी संज्ञा में रहने वाले व्यक्ति को तुरंत कुछ हो गया तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुरंत गाल निकल जाता है। क्यों? वो हमेशा लोभी क्रोधी संज्ञा में रहता है तथा हिंसक संज्ञा में रहता है। हिंसक संज्ञा में रह गया तो ऐसा है, अंदर आता है मंदिर, कोई बच्चे देख लो कान से पकड़ता है, मार दिया, या तो फिर धक्का दिया, या तो फिर कान पकड़ लिया, या तो फिर नाक पकड़ लिया, या तो फिर चोटी काट लिया। कि हम हिंसक संज्ञा में है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ देने के लिए सोच के रहता है दूसरों को। फिर क्लास में, ट्यूशन में, या तो फिर कहीं गया था अभी, दूसरों को कुछ ना कुछ परेशान करते रहता है, वो हिंसक संज्ञा में रहता है। और एक संज्ञा प्रतिलाभ है, उससे अकुशल धर्म बढ़ता है, कुशल धर्म, अकुशल धर्म पतन होता है, कुशल धर्म पुण्य बढ़ता है। वो क्या है? जहां जो व्यक्ति है वो दूसरों का संपत्ति पे आशा नहीं करता है, लोभी नहीं करता है, निर्लोभी संज्ञा में रहता है, कभी भी उसको कुछ त्याग सकता है, आपको आपसे कुछ मांग लिया तो देने के लिए तैयार, निर्लोभी संज्ञा में है ना। दूसरों का संपत्ति लेने के लिए कोशिश करके नहीं मिला तो छोड़ देता है। तथा द्वेष नहीं करता है, मैत्री संज्ञा में रहता है, सुखी हो मैत्री संज्ञा में रहता है। तथा हिंसा, दूसरों को हिंसा करने के बारे में नहीं सोचता है,
अहिंसक संज्ञा में रहता है, हिम्मत है, शक्ति दूसरों को कष्ट देने का, लेकिन दया करता है, सोचता है, मन में आता है इसको क्यों तंग करें, हमको कोई तंग करेगा तो अच्छा नहीं सही, हम भी इसको तंग नहीं करेंगे, आराम से रहेगा। दूसरा लोग बुद्धिमान लोग की देख लिया तो अच्छा बोलेगा नहीं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, इसे ऐसा करके अहिंसक संज्ञा में रहता है। ये है संज्ञा प्रतिलाभ जो अकुशल धर्म बहुत देर लगा, अकुशल धर्म घटता है, कुशल धर्म बढ़ता है। दृष्टि प्रतिलाभ, अभी क्या बताया, संज्ञा प्रतिलाभ बताया उन्होंने, कहा तथागत जी आपने बताया दृष्टि प्रतिलाभ भी दो प्रकार के होता है, एक संगत से अकुशल धर्म बढ़ता है और दूसरा संगत से कुशल धर्म बढ़ता है। जहां जो कोई दृष्टि प्रतिलाभ है, कुशल धर्म बढ़ेगा तो अकुशल धर्म पतन होगा, तो क्या है, अकुशल धर्म बढ़ेगा तो कुशल धर्म पतन होगा, तो कौन सी दृष्टि प्रतिलाभ है, जहां जो व्यक्ति इसी प्रकार दृष्टि उत्पन्न होता है मन, इसी प्रकार दर्शन अपना मन में है, जो दिया है उसका कोई फल नहीं मिलता है, दान का फल नहीं मिलता है, खुद पूजा का फल नहीं मिलता है, सेवा सत्कार का कोई फल नहीं मिलता है, पुण्य एवं पाप कर्म का फल नहीं मिलता है, ये इसी जन्म नहीं है, अगले जन्म भी नहीं है, माँ जैसा कोई स्पेशल कोई नहीं है, पट व्यापति युवा शरीर से निकल गया, कोई स्पेशल माँ जैसा कोई नहीं, स्पेशल पिया जैसा कोई नहीं, पिताजी जैसा कोई नहीं, औपपातिक सत्व नहीं, औपपातिक मतलब देव ब्रह्म नारक प्रेत यही औपपातिक प्राणी नहीं है। इस संसार में कल्याण की रास्ता पे जा कर गए, ज्ञान की रास्ता पे जा गए हुए संत लोग ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की रास्ता बताते हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं है, ऐसा दृष्टि उत्पन्न होता है, इसी प्रकार दृष्टि प्रतिलाभ संगत करेगा तो अकुशल बढ़ता है, कुशल धर्म पतन हो जाता है। और एक संगत करने वाले दृष्टि प्रतिलाभ है, अकुशल पतन होता है, कुशल धर्म बढ़ता है, वो क्या है, जहाँ जो व्यक्ति उनका मन में इसी प्रकार दृष्टि उत्पन्न होता है, दान का विपाक है, दान का फल मिलता है, खुद पूजा का फल मिलता है, किसी को भी सेवा सत्कार करेगा तो फल मिल जाता है, पुण्य एवं पाप कर्म का फल मिलता है, इस जन्म है अगले जन्म भी मिल जाएगा, माँ है, पिताजी है, औपपातिक सत्व प्राणी है, तथा यानी कि नारक है, प्रेत जन्म होता है, देव जन्म ब्रह्म जन्म होता है, इस दुनिया में धर्म की रास्ता पे जा करके ज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान की रास्ता अपना करके ज्ञान प्राप्त किए हुए संत लोग इस दुनिया में है, इसी प्रकार दृष्टि प्रतिलाभ मन में उत्पन्न हो गया तो इसी प्रकार के दर्शन उत्पन्न हो गए तो उसी से कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन होता है। इसका मतलब कब होता है ये, हर सेकंड सेकंड। तो समझ लीजिए भगवान बुद्ध ने कहा पुण्य नदी सूत्र में है ना, आठ पुण्य नदी के बारे में बताया, कौन सा सूत्र में, उसी में एक पुण्य नदी का स्वभाव कैसा है, हमेशा बहुत पानी आती रहती है ना, हमेशा सूखता नहीं है, वो नदी है, ये नदी नहीं है, इसके बालू है,
गंगा। नदी जो होता है वो हमेशा पानी आते रहती है, तो बहुत सारे पानी वैसा नदी आठ होता है, हर सेकंड सेकंड में अपना जीवन में पुण्य भरते रहता है, बहुत पुण्य भरते 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 रहता है। एक जिस दिन भगवान बुद्ध की शरण में गया उसी दिन से लेकर के एक पुण्य नदी बहती है अपने जीवन में। धर्म की शरण में गया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, संघ की शरण में गया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, प्राणियों का हत्या करना छोड़ दिया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, चोरी करना छोड़ दिया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, ब्रह्मचारी पालन करना या तो फिर विचार करना छोड़ दिया वो उसी दिन से और एक पुण्य नदी, झूठ बोलना छोड़ दिया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, नशा करना छोड़ दिया उसी दिन से और एक पुण्य नदी, आठ पुण्य नदी हमेशा अपना जीवन में आते रहता है। इससे पता चलता है ना हर सेकंड सेकंड में होता है। कुशल धर्म बढ़ता है, अकुशल धर्म पतन होता है। इसका भगवान बुद्ध ने बताया आत्म प्रतिलाभ, आत्म भाव प्रतिलाभ भी होता है ना, एक आत्म भाव प्रतिलाभ है कुशल धर्म बढ़ता है और एक आत्म प्रतिलाभ। और एक आत्मभाव प्रतिलाभ है कुशल धर्म घटता है, अकुशल धर्म बढ़ता है। कौन सी आत्मभाव प्रतिलाभ है जो अकुशल धर्म बढ़ता है कुशल धर्म पतन होता है? जहाँ जो व्यक्ति बिना दुख के आत्मभाव प्रतिलाभ को पाता है, दुख रहित आत्मभाव प्रतिलाभ, दुख रहित आत्मभाव प्रतिलाभ मतलब सारे फैसिलिटीज है, कोई तकलीफ नहीं है, पुण्य करने का सब कुछ सुविधा है, धर्म सुनने का सुविधा है, खान पान रहन सहन सब कुछ फैसिलिटीज है, ऐसा आत्मभाव प्रतिलाभ मिलता है किसी को। वैसा आत्मभाव प्रतिलाभ मिल गया तो क्या मिलता है, क्या बढ़ता है? कुशल धर्म बढ़ता है, अकुशल धर्म घटता है। नहीं तो देखिए गरीब जन्म मिलता है, मुश्किल से कहना पड़ता है, नॉर्मल जन्म है, या तो फिर अच्छा मिला लेकिन धर्म ज्ञान नहीं है, कोई ना कोई कमी हो गया तो फिर कुशल धर्म कर पाएगा? समाज में भी करता है लोग नहीं, आप लोग भी घर गया तो आप लोग भी कर पाएगा, आप लोग को भी घर गया तो आज गया तो घर काल से नहीं कर पाएगा, कि घर घर तो संसार है ना, वो अलग जगह है वो। और एक आत्मभाव प्रतिलाभ है संगत करने से कुशल धर्म पतन होता है, अकुशल धर्म बढ़ता है। दुख सहित आत्मभाव प्रतिलाभ मिल जाता है, दुखित दुख के कारण अकुशल बढ़ता है, कुशल पतन होता है। दुख सहित जन्म मिल जाता है कैसे? गरीब है और बहुत परेशान, अमीर है लेकिन परेशान है, बहुत टेंशन है, बहुत कमी है, बहुत जरूरी लेकिन नहीं मिलता है। गृहस्थी में ऐसा होता है ना, जो बहुत चीज चाहिए, पंचकाम है ना, पंचकाम है तो बहुत चाहिए, अंत नहीं ना पंचकाम का। सोचिए आप आश्रम जैसे एक घर बना दिया, टीवी सब कुछ है, लेकिन आप प्लान करते हैं जापानीज गाड़ी के लिए, फिर वो भी आ गया तो फिर प्लान करते हैं उससे भी अच्छा हेलीकॉप्टर एक ले लिया तो अच्छा है, फिर हेलीकॉप्टर डालने के लिए ग्राउंड खरीदेंगे, इसका पैसा कहाँ है? अंत नहीं ना लोग का पंचकाम का। आप लोग पंचकाम के साथ बंधन हो जाएगा तो उसका अंत का भी नहीं होता है। फिर दुख जन्म मिल गया तो यानी कि वैसा गृहस्थ तथा धर्म भी सुनाई नहीं देता है,
कल्याण मित्र भी नहीं है, मजाक कुमारी वगैरह 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 बहुत सारे गंदगी है, ऐसा जन्म में बंधन हो गया तो, जन्म मिल गया तो अकुशल बढ़ता है, पाप बढ़ता है, कुशल धर्म पतन होता है। आप लोग का घर घर के लोग के बारे में देखिए, उन लोग पुण्य करता है, उन लोग भी बोध गया के ही, उन लोग भी अपना अपना घर के गांव के ही, अपना परिवार अपना मम्मी पापा है। आप लोग का मम्मी पापा को देखिए करता है नहीं, मुश्किल से निमंत्रण करता है आज प्रवचन के लिए, हम लोग भी जाते 3-4 सप्ताह के बाद, पुण्य रहेगा तुरंत जाना है ना। दुखी क्योंकि उन लोग का जीवन में सुबह से लेकर रात तक सबसे अच्छा घर आपका घर ले लीजिए, मेरे ख्याल से बोध गया में है, उसी घर में भी सुबह से लेकर रात तक टाइम ले लिया तो कितना उन लोग पुण्य करते रहता होगा। इधर आप लोग दर्शनानुत्तरी है, भगवान पुत्र भगवान शिष्य लोग को देखते, संघ लोगों को, इसका समानानुत्तरीय है, सबसे अच्छा चीज सुनते रहते हैं हमेशा। सारे अनुत्तरी धर्म इधर है ना आश्रम में, घर पे एक भी अनुत्तरी धर्म नहीं है, एक भी याद करिए नहीं, छोटा मोर देखने का दर्शन अनुत्तरी होता है, अच्छा से जाकर इज्जत से प्रणाम करेगा तो ठीक है। देखिए आप लोग घर पे एक साल रहना, आश्रम एक दिन रहना बराबर है, दोनों बराबर, घर में एक साल रहना, एक साल रह के एक ही दिन अच्छा नहीं, एक साल रहने का कुछ कुछ पुण्य करेगा ना वो जोड़ने का, तो उससे वो ऐसा पुण्य एक दिन में आप आश्रम में करते हैं। रोज संगदान, संगदान कितना है, कितना पुण्य है ना, रोज आप लोगों को सेवा संत लोगों का, फिर भगवान बुद्ध की मंदिर साफ करना है, फिर हमेशा ज्ञान सुनना है, हमेशा एक भी मजाक आप नहीं कर सकता है, कुछ भी छोटा गलती करेगा तो आपको डांट सुनना पड़ता है ना, तो समझ लीजिए कितना फायदा है। मरने दम तक ऐसे रह गया तो आप लोग ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि सातिपट्टान सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया ना 7 साल के अंदर, तो ये भी यहाँ भी सातिपट्टान है, 7 साल छोड़िए 50 साल में हो जाना चाहिए जोड़ जोड़ के 7 साल में एक साथ, इसीलिए हम बताए मरने दम तक आश्रय में रह गया तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा है साल वो भी ठीक है ना, बहुत ठीक है, इस साल जिंदा रहेंगे। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी, आपने जो शॉर्ट करके जो बताया है, छोटा करके जो बताया, विस्तार से हमें इसे समझ में आ गया। साधु साधु पुण्यवान सारिपुत्र, साधु पुण्यवान सारिपुत्र, जो मैंने बताया वो आपने जो बताया विस्तार करके एकदम सही है, आपने वो सब जरूर प्राप्त किया है। ऐसे करके भगवान बुद्ध सारिपुत्र पंत ने जो बताया ना वो सब कुछ बताया, शुरू से आपने जो सारिपुत्र बताया वो सही है, ऐसे करके भगवान बुद्ध भी एक 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 करके बताया, वैसे ही नहीं तो साध बोलेंगे भगवान बुद्ध, उसी प्रकार ही जानना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया सारिपुत्र, आपसे देखने वाले रूप भी दो प्रकार की होती है, एक प्रकार के रूप है जो संगत करना चाहिए, एक प्रकार के रूप है संगत नहीं करना चाहिए। कान से सुनने वाले शब्द हैं, एक प्रकार के शब्द सुनना चाहिए, एक प्रकार शब्द हैं नहीं सेवन करना चाहिए।
नाक से सूंघने वाले गंध है, एक प्रकार के गंध ही सेवन करना चाहिए और एक प्रकार के गंध है सेवन नहीं करना चाहिए। और नाक से, इसके बाद जीभ से लेने वाले स्वाद होता है, एक प्रकार की स्वाद है सेवन करना चाहिए और एक प्रकार की स्वाद है सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद शरीर से जाने वाली स्पर्श होता है, एक प्रकार की स्पर्श से सेवन करना चाहिए और एक प्रकार की स्पर्श से सेवन नहीं करना चाहिए। मन से जानने वाले विचार हैं, वो विचार भी दो प्रकार के होता है, एक विचार ही सेवन करना चाहिए और एक विचार सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर है ना सूत्र, देखिए पूरा कंप्लीट है सुर से लेके अंत तक। ऐसे बोलने का अरहंत सारिपुत्र बनते जी भगवान को बताया, क्यों सारिपुत्र बनते धर्म सेनाधिपति है। भगवान बुद्ध ने एक ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण बताया आप कौन है, मैं हूँ अनंत जिन, मैं गौतम बुद्ध राज्य को स्थापित किया हूँ। क्या आप बुद्ध शासन को स्थापित किया, तो आपका सेनाधिपति कौन है? मेरा सेनाधिपति है सारिपुत्र। देखिए एक जनों का कर्म नहीं है ना, बहुत समय से करके आया ना, तो कब हो जाते हैं? इसीलिए हम लोग भी ऐसे होना चाहिए, एक चीज याद रख, हम लोग भी एक चीज याद रखना चाहिए, जल्दीबाजी है तो होश में रहना चाहिए। जितना आप इसी धर्म पे धीरे धीरे जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धीरे धीरे जाना मतलब विनाश हो के सुबह 2 बजे उठ के, फिर दिन में भी विनाश हो के, हमेशा ध्यान करके थक के शरीर कमजोर, ऐसा नहीं, थोड़ा आराम करके फिर आज अच्छा से ध्यान करके सही ढंग से सो के अच्छा से कान हका के अच्छा से पानी पी के अच्छा से आराम करके खुशी से धर्म पे रहना चाहिए। कैसे धर्म पे रहना चाहिए? सेवितव्वा सेवितव्व सूत्र के अनुसार, बस बाकी सारे सूत्र अभी भूल जाइए, अभी भूल जाइए, सिर्फ ये सूत्र अभी आप लोग अपना जीवन उतारिए और एक बार सुन लीजिए याद करके। फिर सारभूत बनते जी ने बताया, लेकिन हम ये बात नहीं है आप लोग को कि आप लोग अगर कोई भी व्यक्ति 1 बजे उठ के ध्यान करेगा तो फायदा है ना, क्या पता उसी समय सोतापन हो सकता है ना। आपको तो 6 बजे भी उठ के कोई ध्यान किया तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि 6-6:30 बजे भी अगर सोतापन हो सकता है ना, नहीं तो समझ में नहीं आता है। सारिपुत्र बंत जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी मुझे आपने जो संक्षेप करके छोटा करके जो बताया वो हमें विस्तार से समझ में आ गया। भगवान बुद्ध ने बताया, सारिपुत्र बंत जी ने बताया, तथागत आपने बताया ना, आंख से जाने वाले रूप है, एक संगत करना चाहिए सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी रूप है सेवन करने से अकुशल बढ़ता है, कुशल धर्म पतन होता है? ऐसा है, आंख से देखने वाले कोई कोई रूप है, कुछ भी रूप आंख से देखने के बाद आपके मन में गंदगी उत्पन्न हो जाएगा तो, यानी कि अकुशल उत्पन्न हो जाएगा तो वैसा रूप आप नहीं देखना चाहिए आज से। जिस रूप देखने के बाद आपका मन में राग उत्पन्न होगा तो
गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा तो, मोह उत्पन्न होगा तो, डर भय उत्पन्न हो जाएगा तो, अहंकार घमंड उत्पन्न हो जाएगा तो, ऐसा रूप को सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन मतलब देखना नहीं चाहिए, बिना देख नहीं रह सकता है, देखता है, लेकिन सेवन करना मतलब उसको मनन करके नहीं रहना चाहिए, तुरंत छोड़ना चाहिए। और एक रूप होता है, वो देखने के बाद कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन होता है, वैसा रूप सेवन करना चाहिए। यानी कि कोई भी रूप देखेगा तो राग उत्पन्न नहीं होगा तो, लोभ उत्पन्न नहीं होगा तो, क्रोध गुस्सा उत्पन्न नहीं होगा तो, जलन उत्पन्न नहीं होगा तो, मोह डर भय उत्पन्न नहीं होगा तो, वैसा रूप देखना चाहिए। कान से सुनने वाले आवाज भी वैसे ही है, कोई भी आवाज सुनने का तो आपको उस पे मन आसक्त तो हो जाएगा तो, उस पे गुस्सा आएगा तो, उस पे डर भय मोह उत्पन्न होगा तो, वैसा शब्द सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जिस शब्द से आपको डर भय राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होता, आसक्त नहीं होता है, तो वैसा शब्द आप मनन करना चाहिए, उसी शब्द पे ध्यान देना चाहिए। समझ गए, क्लियर है। और एक है नाक से सूंघने वाले गंध है, कोई भी गंध है, उसी गंध के कारण आपको राग द्वेष मोह उत्पन्न हो जाएगा तो, गंदगी उत्पन्न हो जाएगा तो, वो गंध सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई कोई गंध है आपको शांति लग जाएगा, शांति अच्छा लगता है, मेंटेन पर जाने का नोमली आता है ना सुगंध, अच्छा लगता है नोमली, वो ऐसा सुगंध है तो वो सेवन कर सकता है। या तो फिर कोई कोई खाना खाने से गंदगी उत्पन्न होगा तो वो सेवन नहीं करना चाहिए, ये खाना नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए लेकिन उसका गंदगी को सेवन नहीं करना चाहिए, तो छोड़ना चाहिए। कोई कोई रस है, सेवन करने से गंदगी नहीं उत्पन्न होगा तो वो सेवन कर सकता है। कोई कोई स्पर्श शरीर में आता है, वो स्पर्श के कारण राग उत्पन्न होगा तो, क्रोध उत्पन्न होगा तो, मोह उत्पन्न होगा तो, वो ऐसा स्पर्श नहीं करना चाहिए। और कोई स्पर्श होता है, राग उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता है, डर भय उत्पन्न नहीं होता है, वो ऐसा स्पर्श टचिंग करना चाहिए। और मन में विचार होता है, कोई कोई विचार हम लोग सोचने से राग उत्पन्न हो जाएगा तो वैसा विचार तुरंत रोकना चाहिए। कोई कोई विचार होता है लोभ उत्पन्न होता है, वैसा विचार को तुरंत रोकना चाहिए। कोई कोई विचार होता है डर आ जाता है, तुरंत उसको रोकना चाहिए, रोक के पुण्य के विचार डालना चाहिए, भगवान बुद्ध के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कुछ। कोई कोई विचार गुस्सा आता है दूसरों के बारे में, वैसा विचार को रोकना चाहिए। और कोई कोई विचार आता है लोभ खत्म होता है, वैसा विचार करना चाहिए। राग खत्म होता है, अशुभ जैसा विचार करना चाहिए, अनित्य जैसा विचार करना चाहिए, ध्यान वगैरह वैसा है ना करना चाहिए, मैत्री विचार करना चाहिए, मैत्री विचार आएगा तो उसको और पोषण करना चाहिए। और डर भय नहीं है तो वैसा विचार, शांति लगेगा तो कोई कोई विचारों से, सोच से, वैसा सोच को पोषण करना चाहिए, क्योंकि वैसा सोच से कुशल बढ़ता है, अकुशल पतन हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध अरहत सारिपुत्र बंत जी को बताया, साधु साधु पुण्यवान सारिपुत्र, साधु पुण्यवान सारिपुत्र। मैंने जो संक्षेप करके, छोटा करके जो मैंने बताया, विस्तार से आपने जो डिटेल्स दे दिया एकदम सही है। ऐसे करके भगवान बुद्ध भी वो बताया फिर सुर से, आँख कान नाक जीव शरीर मन छह इंद्रिया में संगत करना चाहिए और संगत क्या नहीं करना चाहिए के बारे में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, सारिपुत्र चीवर के बारे में भी मैं बोलता हूँ, दो प्रकार के होता है,
एक है चीवर, इस चीवर से चीवर इस्तेमाल वस्त्र इस्तेमाल से अकुशल बढ़ेगा तो वो सेवन नहीं करना चाहिए, कुशल बढ़ेगा तो सेवन करना चाहिए। तथा भोजन करने पिंडपात के बारे में, भोजन करने के बारे में भी दो प्रकार की हैं, एक है अकुशल बढ़ता है, एक कुशल बढ़ता है। तथा कुटिया रहने का जगह इस्तेमाल करने के बारे में भी दो प्रकार की हैं, और कुशल बढ़ता है, दूसरा है उसमें अकुशल बढ़ता है। इसके बाद गांव के बारे में वैसे ही है, गांव भी दो प्रकार के, एक गांव है वहां रहने से अकुशल बढ़ता है, दूसरा गांव है वहां रहने से कुशल बढ़ता है। छोटा गांव के बारे में वैसे ही है, एक छोटा गांव है कुशल बढ़ता है और एक छोटा गांव है अकुशल बढ़ता है सेवन करने से। शहर के बारे में वैसे ही, एक शहर है कुशल बढ़ता है और एक शहर है अकुशल बढ़ता है। जनपद के बारे में वैसे ही, एक जनपद है कुशल बढ़ता है और एक जनपद है अकुशल बढ़ता है, इसी प्रकार बताया। सारे पुत्र बांति जी भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध जी आपने जो सारांश संक्षेप करके जो बताए वो हमें विस्तार से समझ में आ गया। ऐसा आपने बताया चीवर पहनने के बारे में, भगवान बुद्ध जी अगर जो बांते जी जो कुछ चीवर पहनने से उसी चीवर के कारण अकुशल बढ़ेगा तो कुशल पतन हो जाएगा, तो वैसा चीवर का चीवर चीवर का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चीवर पहनता है उसी चीवर के कारण, चीवर के कारण अकुशल पतन हो जाएगा तो कुशल बढ़ेगा तो वही चीवर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सही मेरा चीवर सबसे अच्छा चीवर, ये हम लोग तो ऐसा नहीं है ना, नॉर्मली कोई कोई बांते लोग ऐसे ना रोज जूता है। एक बांते जी था, वो बांते जी क्या किए, एक बांते जी को मिला बहुत महंगा एक सुंदर चीवर, ये बांते जी ये चीवर बहुत इज्जत से लेके आया, ला करके पेटी में डाल दिया, पहन लिया तो जल्दी खराब हो जाएगा, मुलायम है। बांते जी रोज सुबह उठते हैं, उठ के ले चीवर कहाँ लेते हैं, अंदर से पेटी के अंदर लेते हैं, एक चुम्मा देता है, इसके बाद पूछता है, इसका फिर रखता है अच्छे से रहना पिंड पात करके आने था ऐसे करके रखता है, फिर पिंड पात जा करके दौड़ दौड़ के आता है, आकर के चीवर लेकर के फिर चुम्मा देकर फिर रखता है। फिर रात में सोने के पहले फिर चीवर लेता है, लेकर के अच्छा सो जा करके रखता है, फिर सो जाता है, रात में स्वप्न से भी चीवर दिखता है। हाँ वो बांते जी मर गया, मतलब बूढ़ा होके मर गया। मरने के बाद भगवान बुद्ध ने बताया, बांते लोग बताया भगवान बुद्ध को, वो बांते जी मर गया, अभी कहा गया होगा, तुरंत उस समय भगवान बुद्ध से पूछ रहे ना कोई भी मर गया तो, भगवान बुद्ध जी वो मर गया कहा गया है, भगवान बुद्ध ने बताया वो चीवर का एक खीरा बन गया है, अपना चीवर, चीवर का कोना में, इधर कपड़ा का एक खीरा आता है ना कोना में रहता है, इस, इस, इसके अंदर उड़ीस कहता है, हाँ वही खीरा बन गया चीवर में, जन्म लिया है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया ना, जिस चीवर से अगर अकुशल बढ़ेगा तो वो चीवर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर उसी में जन्म लेगा। और उन्होंने कहा भोजन भी वैसा ही है, पिंडपात भोजन करने के बारे में, कोई कोई भोजन करने से अकुशल बढ़ेगा तो वो भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा पेट भरने के लिए नहीं,
ऐसे तो कैसा भोजन करना चाहे आप बताइए। अच्छा, कैसे चीवर इस्तेमाल करना चाहे, पाठीसंग का चीवर पट सेवा वही बस, कोई भी चीवर आप ले सकते हैं। इसका मतलब हम लोग चीवर हटाना है तो लांटे रहना है नहीं है ना, फिर घंटी बजाए फिर सोचेगा नहीं घंट बाबा नहीं है ना, फिर इसका मतलब हम लोग अच्छा अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए लेकिन पाठ्यसंकर पिंड पाता पढ़ हम भोजन लेते हैं मल्टीविटामिन लेंगे तो हम ही मल्टीविटामिन लेते हैं मोटा मेरा शरीर का हेल्दी के लिए मल्टीविटामिन से मोटा नहीं होता है, मल्टीविटामिन से क्या होता है शरीर का जो कुछ कमी है वो देता है, जो ज्यादा हो गया तो वो निकाल देता है, यानी कि मल्टीविटामिन से ज्यादा पोषण आ गया तो वो पोषण पेकान बन जाता है या पेशाब बन जाता है, ऐसे होकर निकल जाता है ज्यादा पोषण, कम पोषण हो गया तो प्रॉब्लम है ना शरीर को भविष्य में, पीठ दर्द देता है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, ध्यान में नहीं बैठ सकता, इसके बाद अच्छा ध्यान करते समय नींद आता है, नींद आने का कारण क्या है हेल्दी नहीं है, इसके बाद वैसा वैसा प्रॉब्लम बहुत थी, किताब नहीं पढ़ सकता है, आंख दुखता है, सिर दुखता है, आंखों से आंसू आता है, बहुत प्रॉब्लम है ना, मल्टीविटामिन से क्या करता है वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। अभी टाइम नहीं, इसके बाद सेनासन के बारे में वैसे ही सोचना चाहिए, हम ये सेनासन रहने का जगह इस्तेमाल करते हैं गर्मी से, मच्छर से, हवा से, धूप से बचने के लिए, आराम से रहने के लिए। देखिए आप लोग आश्रम में रहने का लाभ है, एक भी बच्चों को एक भी कमरा नहीं है, है ना, कभी भी आप लोग कमरा से निकाल दिया तो आप लोग आराम से निकल जाता है, क्यों आप उस पे आ सकते नहीं, अलग एक कमरा आपको दिया मिल गया तो उस पे आपका बंधन हो जाता है, खतरा है उसमें, है ना, ये मेरा है किसी को आने नहीं देंगे ऐसा करके ना। कोई कई लोग ऐसा होने के बाद कोई कई लोग क्या करता है एकदम वो मेन टेम्पल के पास साइड में कूड़ा फेंका हुआ है ना हचड़ा, वैसा किसी का कमरा है, घर घर में आप लोग देखे हैं जल्दी घर रूम में आने नहीं देता है, चलो इधर आश्रम ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे घर घर पे हम कभी कभी देखे हैं रूम में, कभी कभी सुबह उठ के कपड़ा खोजता है कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, फिर निकल जाता टॉयलेट के अंदर, पता नहीं कैसे चला गया, किताब खोजना पड़ता है, किताब मेट्रेस के अंदर है, बहुत सारी परेशानी, मोबाइल खोजता है एक दिन पूरा, बाद में निकल जाता है घंटी बजने से मोबाइल का साइड से, वैसा नहीं मतलब इसका मतलब, फिर भी उसी कमरा पे कोई भी प्यार नहीं, प्यार चाहिए कमरा पे है ना, सामने है प्यार चाहे पवित्र करना चाहे पुण्य मिलता है, कमरा हम तो ऐसा कोई भी कमरा पवित्र करके रख दिया तो कुटिया पवित्र करके रख दिया तो पुण्य मिलता है, लेकिन कभी भी छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तथा उन्होंने कहा कोई कोई गांव होता है उसी गांव में गांव का संगत कोई कोई गांव में रह गया तो अकुशल बढ़ेगा तो कुशल पतन होगा तो वो गांव तुरंत छोड़ना चाहिए, अगर आपको अपना गांव में रहने के कारण पुण्य नहीं कर पाएगा तो वो गांव तुरंत छोड़ दीजिए, भीख मांगेंगे रास्ता पे ऐसा नहीं मतलब बांधते लोगों को बताए ना, तो आप लोगों को वैसे ही आप लोगों को देखिए आप लोग गए थे दूसरा जगह तो कुशल पतन हो गया अकुशल बढ़ गया बहुत सारा है ना, ध्यान की नहीं किया एक बार नहीं नहीं होता है तो अकुशल बढ़ गया कुशल पतन हो गया, इसका मतलब उसी 10 दिन रह गया तो उसी 10 दिन में आपके साथ जो बराबर बच्चा है वो आपसे आगे आ गया कि वो बच्चा 10 दिन यहाँ रहा और वहाँ का बच्चा यहाँ 10 दिन रह गया, मतलब वो बच्चा 10 दिन में बहुत छाज हो गया पुण्य की छाज है ना,
फुल बैटरी नहीं फिर भी चार्ज हो गया। एग्जाम्पल सोचिए कौन शक्ति और सागर नहीं विकी और सागर दोनों का पुण्य बराबर है। विकी उधर छोड़ के इधर रहने लगा, इधर रह करके पुण्य करता है फिर धर्म सुनता है, फिर पुण्य दोनों का बराबर था, सागर से ज्यादा विकी का पुण्य आगे बढ़ गया। फिर विकी अगर दोनों मार के देवलोक में गया तो वो छोटा देवता बनेगा, इससे पावर देवता बनेगा। अगर अगले जन्म में मनुष्य लोक में आ गया तो वो अच्छा आदमी बन गया तो उससे अच्छा ये बन जाता है। अगर कोई राजा का परिवार में जन्म लिया तो अच्छा राजा का बेटा बन गया, उससे भी अच्छा राजा का बेटा बन जाएगा। ऐसा मतलब इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कोई गांव में रहने के कारण अकुशल बढ़ जाएगा तो उसी गांव को संगत ने सेवन नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। छोटा गांव भी वैसे है, यानी कि देहात जिस देहात में रहने के कारण अकुशल बढ़ेगा तो उसी देहात में नहीं रहना चाहिए। अभी खत्म करेंगे। इसके बाद जिस शहर में रहने के कारण अकुशल बढ़ जाएगा तो उसी शहर को छोड़ना चाहिए। अभी एक प्रॉब्लम आ गया ना इंटर का, नहीं आ गया वो तो आप लोग अपना मान के लिए ऐसे करके भगवान बुद्ध बताया। और एक भगवान बुद्ध ने बताया जनपद के बारे में भी, जो जनपद संगत करना चाहे उससे पुण्य मिलेगा तो कुशल करे पाएगा, तो जो जनपद है वो छोड़ना चाहिए उसी जनपद में रहने के कारण अकुशल धर्म पाप बढ़ जाएगा। तो तथा सुंदर एक बात अंत में बताया पुज्गल भी होता है, एक पुज्गल के साथ संगत करने से पाप बढ़ता है, उसी पुज्गल को सेवन नहीं करना चाहिए। और एक पुज्गल के साथ रहने से कुशल धर्म पुण्य बढ़ता है, उसी पुज्गल के साथ रहना चाहिए। इसके बाद ऐसा बताया यही हमें समझ में आया। तो भगवान बुद्ध बताए साधु साधु पुण्यवान सारे पुत्र साधु साधु आपने जो बताया वैसे ही है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया सारे पुत्र अगर कोई शास्त्रीय लोग जो मैंने शॉर्ट करके बताया ये धर्म विस्तार से समझ के समझ लेगा तो विस्तार समझ लेगा तो शास्त्रीय लोग वो शास्त्रीय लोगों का बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा। अगर सारे पुत्र कोई ब्राह्मण लोग ये धर्म विस्तार से समझ गया तो अपनाया तो बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा। अगर जो वैश्य लोग हैं या तो फिर शूद्र लोग हैं यानी कोई भी जात के लोग कोई भी प्रकार के कोई भी जाति के कोई भी देश के कोई भी जगह के लोग जो मैंने बताया ये धर्म विस्तार से समझ लेंगे तो उन लोगों को बहुत समय तक बहुत कल्याण सुख हो जाएगा। तथा सारे पुत्र अगर देव सहित मार सहित श्रमण ब्राह्मण सहित देव मानव प्रजा में सारे लोग देव ब्रह्म मानव इत्यादि पूरे ब्रह्मांड के पूरे प्रजा में कोई भी व्यक्ति अगर ये धर्म विस्तार से समझ लेंगे तो प्राप्त करेंगे तो वो सभी लोगों को बहुत समय तक ही सुख के लिए होता है, बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा। ये अंतिम बात भगवान बुद्ध ने बताया। क्या कोई भी व्यक्ति ये धर्म को समझ लेगा तो बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए और एक बार ये प्रवचन को सुनना जरूरी है अकेले सनातन में एकांत में आराम से सुन लीजिए। सुन के हम बताए ना बाकी धर्म भूल जाए सब हटा दीजिए, न्यू स्टार्ट करिए। पहली बार सुन लिया जैसा सुन के इसी प्रकार रहने के लिए कोशिश करिए, आज से बहुत समय तक आपका कल्याण हो जाएगा। ये बुद्ध वचन है,
बुद्ध वचन का भी बदलता नहीं, वो फिक्स सदाकालिक परमानेंट शब्द है बुद्ध वचन। ये उत्तम देश है तथागत उपदेश भगवान बुद्ध ने बताया। सारपुत्र बांति बहुत खुशी हो गया, बहुत खुशी मानसिक स्वीकार किया। तो आप सभी लोगों को भी ये सेवितव्वा सेवितव्व सूत्र के अनुसार आप सभी लोगों को जो सेवन नहीं करना है, पाप है, वो छोड़ने का भाग्य मिले। जिस संगत से सेवन से पुण्य मिलता है, कुशल बढ़ता है, वही सेवन करके आगे बढ़ने का भाग्य सबको मिल जाए। साध।